क्या आप जानते हैं, लोरी सुनकर आपका बच्चा शांत हो जाता है। इससे उसके दिल की धड़कन जरा धीमी हो जाती है। क्या आपके बच्चे को पर्याप्त संगीत सुनने को मिलता है? मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम बल्ताजी, और संगीत आपके बच्चे के मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है, मेरी मिनी पेरेंटिंग मास्टर क्लास इसी के बारे में है। ये साबित हो चुका है कि जन्म के पूर्व बच्चे के मस्तिष्क के विकास में संगीत की एक अहम भूमिका होती है। संगीत सुनने से न केवल गर्भवती महिला को सुकून मिलता है और अच्छा महसूस होता है, बल्कि इससे अजन्मे बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 16 से 18 हफ्ते के गर्भकाल के आसपास बच्चे को पहली आवाज सुनाई देती है। 24 हफ्ते होते होते उसके छोटे छोटे कान तेजी से बढ़ते हैं, और देखा गया है कि बच्चे गर्भकाल के आखिरी कुछ महीनों में आवाजों और शोर पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना सर घुमाते हैं। कोई अजन्मा शिशु अपनी माँ की आवाज, उसकी स्थानीय भाषा, शब्द विन्यास और कविताएं पहचान सकता है। तीसरी तिमाही में बच्चा शास्त्रीय संगीत, लोरी जैसी सौम्य आवाजें, खुशी पैदा करने वाला मनोहर संगीत सुनने लगता है, यानी ऐसा संगीत जिसे सुकून देने के लिए रचा गया हो। संगीत बच्चे के विकास से जुड़े सभी क्षेत्रों को सक्रिय करता है। स्कूल जाने के लिए जरूरी तैयारियां, विशेषकर भाषा ग्रहण करने और पढ़ने संबंधी कौशल जैसे क्षेत्रों को निखारता है। किसी वाद्य यंत्र को सीखने से गणित को सीखना आसान हो जाता है, यहां तक कि स्कूल में उसके अंक भी ज्यादा अच्छे आते हैं। संगीत से मनोभाव जागते हैं तो संगीत शिशु को सुकून देने का एक लोकप्रिय जरिया हो सकता है। साथ ही ये शिशु की नींद में भी सहायक होता है। संगीत सौम्य और सुकून देने वाला होना चाहिए, ताकि वातावरण शांत हो और बच्चों के सोने का विन्यास बेहतर बन सके। कोई जानी पहचानी धुन, संगीत या गीत म्यूजिक थेरेपी के किसी सत्र जैसा ही काम करता है। धीमे, सौम्य और एक से संगीत से दिल की धड़कन धीमी होती है, गहरी और ज्यादा शांत सांसें आती हैं। माँ, पिता या देखरेख करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की आवाज को कम करके ना आंकें। ये आवाजें जानी पहचानी होती हैं और उनकी ताल शांति देती है। माना जाता है कि अंग्रेजी शब्द लल्लेबाय लाला या लुलू ध्वनि से निकला है, जिसके जरिए माएं या नर्स बच्चों को शांत करती हैं। बाय भी एक शांत करने वाली ध्वनि है, और वैसे ही गुड नाइट भी। लोरी की मदद शिशुओं को शांत करने और छोटे बच्चों को सुलाने के लिए ली जाती रही है। लोरियां हर संस्कृति में मिलती हैं और हर भाषा में गाई जाती हैं। ब्राह्म्स की लोरियां सबसे ज्यादा जानी पहचानी हैं और लोग उन्हें बड़ी आसानी से पहचान भी लेते हैं। आप कई तरीकों से अपने बच्चे के साथ संगीत रच सकते हैं। स्वर ग्रंथियां ऐसे इकलौते जन्मजात उपकरण होते हैं जो मनुष्य के अंदर ही मौजूद होते हैं। हम कुछ दूसरे उपकरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ताली बजाना, चुटकी बजाना, पैर पटकना और अपनी जांघ पर थपकी मारना। घर में भी कई चीजों से संगीत रचा जा सकता है, जैसे लकड़ी की चम्मच और बर्तनों से। इस तरह आप अपने बच्चे के साथ संगीत की रचना कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छे वाद्य यंत्र खरीद सकते हैं, उनमें टॉय ड्रम, शेकर या रैटल, ग्लॉकनस्पील, ग्जाइलोफोन। संगीत को सुनने या इसे दूसरे लोगों के साथ बजाने का एक खास सामाजिक प्रभाव होता है। इस तरह आप खुद को आसपास के लोगों से जुड़ा महसूस करते हैं। छोटी उम्र में संगीत से जुड़ने पर बच्चे खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों से बांट सकते हैं। छोटी उम्र में भी संगीत को सुनकर वो झूम सकते हैं, उछल सकते हैं या अपने हाथों को हिला सकते हैं। वो तो खुद अपने गीत भी बना सकते हैं। वो हंसना और शब्दों की पुनरावृत्ति सीखते हैं, और इससे उन्हें इन शब्दों को प्रयोग करने और उन्हें याद करने के सिलसिले में बढ़ावा भी मिलता है। हमें ऐसी कई प्रणालियों के बारे में भी पता चला है, जिनके माध्यम से संगीत एक दूसरे के साथ जुड़ने की हमारी योग्यता पर असर डालता है। मस्तिष्क के जो सर्किट सहानुभूति, विश्वास और सहयोग से जुड़े होते हैं, ये उन पर असर डालता है, और इससे पता चलता है कि संगीत किस तरह दुनिया की हर संस्कृति में आज तक जिंदा रहा है। संगीत हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में मौजूद है। घर में संगीत हमारे रोजमर्रा के अनुभवों का एक हिस्सा बन सकता है। माता पिता बचपन से ही संगीत का इस्तेमाल बच्चों को शांत करने, उनके प्रति अपना प्यार और आनंद जाहिर करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए करते रहते हैं। माता पिता इन प्राकृतिक वृत्तियों को और निखार सकते हैं कि संगीत कैसे बच्चे के विकास और सामाजिक कौशलों पर असर डालता है और सभी उम्र के बच्चों को फायदा पहुंचा सकता है। मेरी सलाह है, जल्द से जल्द बच्चों को संगीत से परिचित कराएं।